अगेन विद योर टॉपिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. हम इसमें एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ पोएट्री. नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस द अनदर टू जेनर्स ऑफ पोएट्री, अनदर टू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, नॉट पोएट्री बेसिकली. सो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमने देखा देयर आर थ्री फॉर्म्स. फर्स्ट इज पोएट्री विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है. इसमें हम लोगों ने कितने टाइप ऑफ पोएट्री देखा था? 20. ठीक है, दो पार्ट में ध्यान होगा आप लोगों को. हमने इसे डिवाइड किया था स्ट्रक्चर एंड थीम. ये यहाँ पे आपके पोएट्री के डिस्क्रिप्शन आता है. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ आपका आता है ड्रामा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीक्वेंस विद द ड्रामा. इसके आपको डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी चीजों के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे हम ड्रामा को डिवाइड करेंगे, कितने तरीके के ड्रामा होते हैं. ये भी दो तरीके से जाएगा, स्ट्रक्चर एंड थीम बेस्ड. थर्ड आपका इसमें आ जाता है प्रोज. ठीक है, प्रोज को हम ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. और फिर इसके बाद फिक्शन के अंदर आपका नॉवल, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेला, तीन तरीके की चीजें होती है. नॉन फिक्शन के अंदर तो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, लाइक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसेज, लेटर, पैम्फलेट, बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्रिटिसिज्म एंड ऑल. तो हम लोग जब इसको करेंगे तब इसकी लिस्ट को देखेंगे. बट फिलहाल दिस पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू डील विद द ड्रामा. ड्रामा कितने तरीके का होता है? ड्रामा को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले कि ड्रामा का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे किस तरीके, कितने तरीके के ड्रामा होते हैं, और दूसरा इसका थीम या सब्जेक्ट बेस. तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड दूसरा यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट. ये इसके दो क्लासिफिकेशन हमें देखने होंगे. अब स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रामा, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो कितने तरीके के ड्रामा होते हैं? स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें आएंगे आपके दो टाइप के ड्रामा, बस दो टाइप ऑफ ड्रामा आते हैं इसमें. फर्स्ट इज आपका पोएटिक ड्रामास एंड दूसरा डायलॉजिक या जो प्रोज फॉर्म में, ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर लिखा होता है, दैट इज इट्स लाइक की यूजुअल ड्रामेटिक. इसको हम बोलते हैं एक्ट वाइज. तो फर्स्ट इज पोएटिक ड्रामा, जिसमें हम ब्लैंक वर्ड्स या किसी भी पोएट्री के फॉर्म में पूरा ड्रामा लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पोएटिक ड्रामा. एंड दूसरा होता है ड्रामेटिक स्टाइल में जो लिखा हुआ हो, जो कि एक्ट वाइज, सीन वाइज इसके डिविजन होते हैं. तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर इन दो ही चीजों को समझिए. पोएट्रिक ड्रामा विच इज बेसिकली रिटन, अ ड्रामा विच इज रिटन इन ब्लैंक वर्सेस. और ये कौन सी स्टाइल है लिखने की, ये कब शुरू हुई थी? दिस इज एंशियंट स्टाइल ऑफ राइटिंग ड्रामा. एंशियंट स्टाइल ऑफ राइटिंग ड्रामा, पुराने टाइम में, जो मैंने आपको यूरोपियन की पूरी सीरीज दिखाई है उसके अंदर मैंने आपको ईडीपस, इलेक्ट्रा, मीडिया, इफिजीनिया, एग्मेमनॉन, ये जितने भी ड्रामास आपको बताए हैं वो सारे के सारे ब्लैंक वर्ड्स ड्रामास है, क्योंकि पहले लिखने का केवल एक ही स्टाइल होता था, दैट इज पोइट्री. देखो जब भी लिटरेचर लिखा गया है, प्रोज बहुत बाद में आया है, ये सेक्शन बहुत बाद में निकल के आया है. किसी भी रीजन का आप लिटरेचर उठा के देखोगे वो केवल दो तरीके से लिखा जाता था. हिंदी में उसे बोलते गद्य और पद्य. ठीक है, दैट इज प्रोज एंड पोइट्री. तो प्रोज के अंदर ये ड्रामेटिक फॉर्म ही आती है, क्यों? क्योंकि पहले वन एक्ट प्ले, टू एक्ट प्ले, इस तरीके की चीजें होती थी. ठीक है, दैट इज लाइक ये ड्रामा, पोइटिक ड्रामा. इसको पोइट्री के फॉर्म में लिख के गाया जाता था, और जो कोरसेस होते थे या कोई भी होता था वो पीछे से गा रहे होते थे और आगे एक्टर्स उसको इनेक्ट कर रहे होते थे, वो होते थे पोइटिक ड्रामास. दूसरे होते थे ड्रामा जिसके अंदर वही डायलॉग फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर स्टेज के ऊपर ड्रामेटिक फॉर्म के अंदर इसको प्रस्तुत किया जाता था, या उसका एक स्टेजिंग, मंचन किया जाता था, और उसको जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टेज पे ही बोल के करते थे. जिसका आपको सिंपल सा एग्जांपल हम अपने इंडियन सिनेरियो में देख सकते हैं कि रामायण जो 9 दिन के अंदर या नवरात्रियों में रामायण करवाई जाती है, उसको भी हम ये स्टेज एक्टिंग के अंदर ही लेते हैं. ठीक है, वो पोएटिक फॉर्म में नहीं होती. अच्छा, इसके अलावा ये तो हुए दो मेजर स्टाइल्स. अब इन्हीं के जो सब डिविजन आएंगे वो कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के ड्रामास हमने देखे स्ट्रक्चर वाइज. फर्स्ट मैंने आपको बोला वन एक्ट प्ले,
वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले जो केवल वन एक्ट, एक एक्ट में खत्म हो जाते हैं, उसको वहीं पे ही स्टार्ट करके इसे इसी की कैटेगरी में आते हैं मास्क। वन एक्ट प्ले के अंदर क्या आता है? मास्क। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेहरे पे मुखौटा लगाते हैं, ठीक है, मास्क पहनते हैं और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो लोकल डेटीज होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि मिल्टन का कॉमस मास्क बहुत फेमस है, इसी तरीके से मास्क जो है वो बेन जॉनसन ने, फिलिप सिडनी ने, स्पेंसर ने बहुत सारे बनाए हैं, लिखे हैं, और वो किसके लिए होते थे? केवल पैलेसेस में जाके उन्हें किया जाता था। दीज आर वन एक्ट प्लेज, ठीक है, मास्क। उसके अलावा दूसरे भी होते थे जो मास्क ना भी हो, लेकिन दे आर स्ट्रक्चर्ड ऑन सम थीम्स जो कि पैलेसेस के अंदर जाके परफॉर्म किए जाते थे, बट जरूरी नहीं है कि वो मास्क हो, तो वो सब्जेक्ट अलग भी हो सकता था, बट उन्हें मैं सब्जेक्ट वाइज कह दूंगी। यहाँ पे वन एक्ट प्ले इज मास्क, सेकेंड इज थ्री एक्ट प्ले। ये आपके मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा चला है क्योंकि एक शॉर्ट प्लेज आने लगे थे फाइव एक्ट प्ले की जगह, और जो एक मेन एक्ट होता है दैट इज फाइव एक्ट प्ले, जो मेन ड्रामा होते हैं वो फाइव एक्ट प्ले के अंदर आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था ये शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी विट्स के टाइम में बहुत ज्यादा चला था। तो फाइव एक्ट प्ले इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्रामा जिसके अंदर पांच एक्ट होते हैं। इन पांच एक्ट के अंदर एक एक्ट में बहुत सारे सीन्स होते हैं और उनको वन बाय वन यहाँ पे लेके उनका ड्रामेटाइजेशन किया जाता है। लेकिन थ्री एक्ट प्ले उससे छोटे होते हैं, ये मॉडर्न टाइम में आए थे लाइक जीबी शॉ वगैरह के टाइम पे, उन्होंने थ्री एक्ट प्ले भी करवाए हैं, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रक्चर वाइज डिविजन ऑफ प्लेज। नाउ कम टू द सब्जेक्ट वाइज कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट चूज किया जाता है उसके बेस पे इसके कितने डिविजन होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसके डिविजन निकलते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांसेस, हिस्टोरिकल एंड लास्ट विल बी रिलीजियस। ये पांच तरीके के ड्रामास हैं जिनको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। स्ट्रक्चर वाइज इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, पोएट्री की तरह इतना बड़ा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन हाँ इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। नाउ सब्जेक्ट वाइज हम लोग ये मेन ड्रामा हमें हर कोई इनके बारे में बताता रहता है, लेकिन ये तो हुए मेन जेनर्स, ठीक है। अब ट्रेजेडी कितने तरीके की होती है, कॉमेडी कितने तरीके की, ये भी समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ऐसे नहीं कि इस चीज को यहीं छोड़ देंगे कि बस ठीक है ये पांच तरीके के ड्रामा होते हैं इनको हम पढ़ लेंगे, नहीं। ट्रेजेडी कितने तरीके की होती है, ट्रेजेडी बेसिकली तीन तरीके की होती है। फर्स्ट इज वन मैन ट्रेजेडी, फर्स्ट इज वन मैन ट्रेजेडी, सेकेंड इज रिवेंज ट्रेजेडी एंड थर्ड इज मैकैबर, थर्ड इज मैकैबर। तो हमें पहले ये तीन तरीके की ट्रेजेडी समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों तरीके की ट्रेजेडीज क्या होते हैं। देन आई कम टू कॉमेडी इटसेल्फ क्योंकि मुझे अब भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीनों तरीके की ट्रेजेडी में व्हाट इज वन मैन ट्रेजेडी। वन मैन ट्रेजेडी जो हमारे सामने है ये किसने निकाली? वन मैन ट्रेजेडी बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में देने वाले या इस जैनर को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करने वाले थे क्रिस्टोफर मार्लो। इनका आप कोई भी प्ले उठा के देखोगे सब वन मैन ट्रेजेडी। इन्होंने कोई भी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं लिखी, इन्होंने कोई मैकैबर नहीं लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो के सारे प्ले वन मैन ट्रेजेडी के अंदर आते हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट्स। मैंने जब आप लोगों को ब्रिटिश लिटरेचर वाली हमारी प्लेलिस्ट में यूनिवर्सिटी विट्स करवाया तो उसमें बताया था कि हिज फोर्टे इज यूनिवर्सिटी विट एंड हिज फोर्टे इज वन मैन ट्रेजेडी। इनके सारे ड्रामा वन मैन ट्रेजेडी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम देखेंगे वन मैन ट्रेजेडी जो इन्होंने करवाई है, आप इनके प्लेस कितने हैं, कितने बार इन्होंने करे? डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज इज वन मैन ट्रेजेडी। शी राइजेज बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, शी राइजेज, शी बिकेम अ क्वीन बिकॉज ऑफ हर क्वालिटीज एंड शी डाइड
शी फेस द ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ हर फॉलीज. लेकिन जो एरिस्टोटेलियन नॉर्म्स ऑफ राइटिंग ट्रेजेडी है वो भी यहाँ पे फॉलो हुए हैं. एरिस्टोटेलियन नॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक कैरेक्टर जो सेंट्रल कैरेक्टर है ही शुड बी अ पर्सन ऑफ वर्च्यूज. वो बहुत ज्यादा वर्चुअस मॉरल एथिक्स वाला होना चाहिए जिससे कि वो हमें हम उससे रिलेट करके उसे हीरो समझे. ऐसा ना हो कि कैरेक्टर ऐसा है जिसने सारे काम विलन वाले कर रखे हैं और हम उसको सेंट्रल कैरेक्टर ले लें, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए आइडियल नहीं होगा. जो ह्यूमैनिटी के लिए आइडियल नहीं है वो हीरो नहीं है, है ना. तो हमें सबसे पहले हीरोइज्म देखना है. हीरोइज्म किस में होगा, जो कैरेक्टर नेक है, अच्छा है, उसके अंदर एथिक्स है, मॉरल है. तो यहाँ पे वन मैन ट्रेजेडी के अंदर भी जो बिगनिंग होती है वो सारे कैरेक्टर किससे दिखाते हैं, वो नॉर्मल दिखाते हैं, सारे एथिकल कैरेक्टर मॉरलिस्टिक कैरेक्टर दिखाते हैं. तो डिडो वॉज अ गुड क्वीन, अ नाइस ब्यूटिफुल लेडी जिसने शादी करी, अब क्वीन बनी, बट बिकॉज ऑफ वन फॉल, वन फ्लॉ इन द कैरेक्टर. वन फ्लॉ किसी भी एक जो हम वर्च्यूज जिसकी बात करते हैं, एक कमी की वजह से उसका पूरा डाउनफॉल या उसकी ट्रेजेडी हो जाना. ठीक है, तो यहां पे शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फॉल. सेकेंड टेम्बरलेन, अ ट्राइबल किंग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, फ्रॉम अ शेफर्ड टू अ किंग उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई. लेकिन जब वो वहां शेफर्ड से, एक गरीब शेफर्ड से एक किंग बन गया, सब कुछ उसके हाथ में आ गया, तो हिज माइंड इज फुल ऑफ प्राउड एंड पॉलिटिक्स. ही डजंट टेक एनीवन इन फ्रंट ऑफ हिम. वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है और क्या करता है, अल्टीमेटली अपने प्राउड, अपने गुस्सा, अपने एंगर के अंदर अपने बच्चों को भी मार देता है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, फैमिली खत्म हो जाती है, एंड एम्पायर भी डाउनफॉल, एम्पायर का भी पूरा डाउनफॉल हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्बरलैंड इटसेल्फ, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स इज बेस्ट ऑफ वन मैन ट्रेजेडी. जो एक स्लम से बिलोंग करता है, पढ़ाई करी, स्कॉलरशिप ली, 6-6 डिग्रियां ली, डॉक्टर की पोस्ट तक पहुंचा, पीपल हैज स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम क्योंकि उसके पास हर चीज का सोल्यूशन था. ही वॉज अ गुड काउंसलर, ही वॉज अ गुड एजुकेटर, ही वॉज इन द मेडिकल, ही वॉज इन द लॉयर, ही वॉज रिलीजियस, सब चीज उसके पास थी. लेकिन उसको उसी नॉलेज का क्या हुआ, प्राउड. ही बिकेम प्राउड एंड ही वॉन्टेड टू बी अ लिविंग गॉड. अपने आप को क्या कहने लगा कि मैं धरती के ऊपर गॉड को रिप्लेस कर सकता हूं. क्यों, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं. और उसके लिए उसने क्या कहा कि मेरे को आता सब कुछ है, अब क्या चाहिए, बस मैं चुटकी बजाऊं, काम हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए, ब्लैक मैजिक. तो अब वो ब्लैक मैजिक के अंदर घुसा और अल्टीमेटली डाउनफॉल, डाइट. और वो भी कैसी डाइट, बहुत पैथेटिक डेथ, उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है जब वो लेके जाते हैं. तो दिस इज हाउ वन मैन ट्रेजेडी हैपेंस, दिस इज हाउ वन मैन्स जर्नी हैपेंस. कि एक इंसान की खुद की स्ट्रगल, खुद की मेहनत से वो एक बेस लाइन से कहीं एक टॉप तक पहुंचा है. और जब तक द स्टेटस विल नॉट बी हायर, द फॉल विल नॉट बी विजिबल. तो यहां पे एरिस्टोटल ने क्या कहा है, हायर द स्टेटस ग्रेटर द फॉल, राइट. तो यहां पे भी क्या हुआ है, जो स्टेटस उसका स्लम, स्लम का कैरेक्टर है, कोई एक गरीब इंसान यहाँ पे स्लम्स में किसी के साथ कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट में हो जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगी, जिसका हम नाम तक न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते, है ना. और एक मिनिस्टर का बेटे का या मिनिस्टर का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाएगा, उसकी कोनी में चोट आ जाएगी, वो भी न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि जी भिड़ गई थी गाड़ी और उस तरीके से ये चीज हो गई थी. क्यों, हायर द स्टेटस टू बी एक्नॉलेज्ड. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी चीज को एक्नॉलेज किया जाए तो यू हैव टू कम इन फ्रंट. और उस फ्रंट के लिए आपको वो लाइन लाइट के अंदर आने के लिए आपको बैक लाइन छोड़ के फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा, दैट इज भीड़ छोड़ के आगे आना पड़ेगा. तो जो आपका ट्राइंगल बनता है ना, वो पीछे भीड़ से ऐसे बनता है. यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड दैट इज टॉप, पीक कहते हैं ना उसको ट्राइंगल का. तो यहां पीक पर आओगे तो क्या होगा, हायर द स्टेटस ग्रेटर द फॉल. तो जैसे ही डॉक्टर फॉस्टर्स की बात आती है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स स्लम से बिलोंग करता था, यहाँ बेस लाइन से उठ के वो पीक पे पहुंचा, 6 degrees दी, नेक्रोमेंसी सीखी, उस नेक्रोमेंसी को वो पॉजिटिवली भी यूज कर सकता था, बट ही हैड अ फॉल बिकॉज ऑफ हिज प्राउड लस्ट. ठीक है, ये सब क्या है, 7 deadly sins जो कि हमें किस चीज से रिलेट करवाते हैं, हमारे वाइसेस से, और वाइसेस बिकम द रीजन फॉर फॉल. ठीक है, तो दिस इज
वन मैन ट्रेजेडी। अब आपका आ जाता है रिवेंज ट्रेजेडी। व्हाट इज रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी होती है जिसमें एक कैरेक्टर के पास एक वैलिड रीजन हो रिवेंज लेने का। ठीक है, हम लोग हैमलेट को एक आइडियल रिवेंज ट्रेजेडी मानते हैं क्योंकि उसके फादर का मर्डर किया गया एंड ही स्टार्टेड टेकिंग द रिवेंज। इस तरीके से जितने भी प्लेज आप देखेंगे जो रिवेंज के अंदर होंगे, उसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टर्स के पास अगर एक वैलिड रीजन है कि हाँ दिस समथिंग हैज हैपेंड टू मी एंड आई एम हेयर टू टेक द रिवेंज, और वो अपनी लाइफ को पूरा स्टेक पे रख के, स्टेक मतलब खतरे में डाल के लास्ट तक विलेन से रिवेंज ले रहा है, और अगर वो ये नहीं सोचता है कि इस रिवेंज के लिए मेरी लाइफ भी चली जाती है तो कोई बात नहीं, क्यों, अगर हमारा हीरो मर जाएगा तो हम सबको दुख होगा ना, हमें तो आइडियल कैरेक्टर्स की जरूरत है सोसाइटी में। व्हाई वी आर शोइंग रिवेंज ट्रेजेडी? बिकॉज इस तरीके से उसे दिखाया जाता है कि द कैरेक्टर इज टेकिंग द रिवेंज टू गिव द मॉरल जस्टिस टू द सोसाइटी, क्योंकि जो विलेन है वो सिर्फ उसके लिए बुरा नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के लिए बुरा है। एंड टू किल हिम, उसको मारने के बाद क्या होगा, उसको अगर वो मारता है तो वो पूरी सोसाइटी को उस ईवल से बचा रहा है। तो यहां पे रिवेंज वो सिर्फ एक चीज के पार्ट पे नहीं ले रहा, वो सबके पार्ट पे ले रहा है। एंड वी वॉन्ट आर हीरो टू सेक्रीफाइस द लाइफ टू सेव द ह्यूमैनिटी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारा हीरो अगर अल्टीमेटली उसकी लाइफ भी सेक्रीफाइस हो रही है तो कोई बात नहीं, बट उसको लड़ना चाहिए, उसे से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके लिए, बट वो उसकी पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी, पूरे किंगडम के लिए खतरा है। तो द विलेन सिंबलाइजेस द बैडनेस एंड मॉरल जस्टिस लास्ट में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं एक गुड को भी खत्म करते हैं अगर हमें बहुत सारा बैड खत्म करना होता है। ठीक है, तो दिस इज रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर अ गुड कैरेक्टर इज बेसिकली किलिंग अ बैड कैरेक्टर, वाई, टू सेव द सोसाइटी एंड टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज ओन पार्ट। ठीक है, तो जहां पे एलिमेंट ऑफ रिवेंज आ जाएगा, अब वन मैन ट्रेजेडी के अंदर मैंने आप लोगों से नाम लिया, डॉक्टर फॉस्टर्स का नाम लिया, मैंने टेम्बरलेन का नाम लिया, मैंने डिटो का नाम लिया, क्या इन तीनों में कोई भी किसी से रिवेंज ले रहा है? नहीं, लेकिन हैमलेट में रिवेंज ले रहा है, ऑथेलो में रिवेंज ले रहा है, जूलियस सीजर में रिवेंज लिया जा रहा है। तो ये रिवेंज ट्रेजेडीज है जिसमें कैरेक्टर अपने ही किसी की हुई मर्डर या डेथ के ऊपर, प्लॉटिंग के ऊपर अपनी स्टोरी को रिवील कर रहा है ऑडियंस को, एंड ही इज टेकिंग रिवेंज टू सेव द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी। ओके, नाउ थर्ड आ जाता है आपका मैकैबर। व्हाट इज मैकैबर? देखो, अब यहाँ पे वन मैन ट्रेजेडी, रिवेंज और मैकैबर, हम इन तीन की बात कर रहे हैं। तो वन मैन ट्रेजेडी के अंदर जरूरी नहीं है कि किस तरीके के एलिमेंट हो, कैसे भी सकते, टेम्बरलेन में कोई सुपरस्टिशियस एलिमेंट नहीं है, राइज एंड फॉल दिखाया है, डॉक्टर फॉस्टर्स में सुपरस्टिशियस एलिमेंट है, यहाँ पे ल्यूसिफर है, मेफिस्टोफिलीज है, नेक्रोमेंसीज है, गुड एंजल्स, बैड एंजल्स, डांस ऑफ सेवन डेडलीज, इन सब कुछ है। ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी कभी कभार सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, जैसे हैमलेट में है लेकिन ऑथेलो में नहीं है, जूलियस सीजर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन मैकैबर के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं तभी यहाँ पे मैकैबर होगा। और मैकैबर का मतलब क्या होता है? मैकैबर का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लडशेड। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मोटिव रिवेंज का है या किसका है, लेकिन एक काम को, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए जब हीरो एक सीक्वेंस ऑफ मर्डर के अंदर चला जाता है तब उसे बोलते हैं मैकैबर। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे मैकबेथ का, तो मैकबेथ में क्या है, स्टार्टिंग में ही सुपर नेचुरल एलिमेंट आ जाते हैं, विचेस, तीन विचेस आती है, प्रोफेसीज करते हैं, और उन प्रोफेसीज को मैकबेथ भी चाहता है कि वो पूरा हो जाए, तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ मर्डर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर वो रिवील ना हो, फिर एक, फिर वो रिवील ना हो, फिर एक, फिर वो गोस्ट की तरह अपीयर हो जाएंगे, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट का भी सीक्वेंस हो जाता है, ब्लडशेड का सीक्वेंस हो जाता है। और वो ब्लडशेड क्या है, दे आर अननेसेसरी ब्लडशेड्स, दीज आर द ब्लडशेड्स विच आर नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं था इन ब्लडशेड्स का यहाँ पे होना, दिखाना भी जरूरी नहीं था, लेकिन इनको क्यों दिखाया गया, टू क्रिएट टेरर, टू क्रिएट फियर। तो यहाँ पे एलिमेंट इसके साथ दूसरा कौन सा आ जाता है, टेरर, फियर। ठीक है, थर्ड कौन सा आता है यहाँ पे, गॉथिक सीन्स, गॉथिक सीन्स,
गॉथिक मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू गोस्ट, भूत वगैरह यहाँ पे नजर आते हैं, जो उनको भी मर्डर किया गया है उनके हमें सोल्स नजर आएंगे, स्पिरिट्स नजर आएंगी। अलॉन्ग विद डैट टेरर, फियर, गॉथिक एलिमेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट, ये सारी चीजें तो इसके साथ साथ है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिस्गस्ट। जब इस प्ले को ऑडियंस देखती है तो दे फिल्ड विद डिस्गस्ट, कितने मर्डर्स हो रहे, कितनी चीजें हो रही, अल्टीमेटली दे फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। उन्हें एक अजीब तरीके का उच्छाटन बोलते हैं इसको, कि वो रिलेट नहीं कर पा रहे अब अपने आप को, अब उन्हें डिस्गस्ट लग रहा है कि किसी तरीके से जो भी हीरो यहां पर कैरेक्टर आएगा वो आके इसे खत्म कर दे, कि बहुत ज्यादा मर्डर 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 हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई गॉथिक या हॉरर मूवीज देखते हैं 1920s टाइप, जिसमें गोस्ट है वो मर्डर कर रहा है अजीब तरीके से, उसके हैंड्स वैंड सब ब्लड में दिखा रहे हो, तो यू फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, उसे कहते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये नहीं दिखाते कि गोस्ट मर्डर कर रहे हैं या कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग भी कर सकते हैं, गोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो वो दिखाते हैं कैरेक्टर्स को कि देयर हैंड्स एंड ड्रेसेस आर फिल्ड विद ब्लड, ये सब हमें क्या किस में डालते हैं, डिस्गस्टिंग, इरिटेशन होती कि ये सब क्या दिखा रहे हैं। तो दिस एलिमेंट इज अ कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ मैकेबर प्ले। अगर वहां पे डिस्गस्ट, टेरर, फियर नहीं है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स नहीं है, तो वो मैकेबर नहीं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको ट्रेजेडी ध्यान रखनी है, कि ट्रेजेडी कितने तरीके की है, ट्रेजेडी तीन तरीके की है। फर्स्ट, वन मैन ट्रेजेडी, जिसमें कैरेक्टर खुद ही राइज करेगा, खुद ही फॉल करेगा, उसके साथ कोई कैरेक्टर नहीं है उसे सलाह देने के लिए, वो सिर्फ अपनी बुद्धि से चल रहा है, खुद ही राइज करेगा, खुद ही फॉल करेगा। सेकेंड, रिवेंज ट्रेजेडी, इसमें अपने साथ हुए, अपने किसी के साथ हुए बुरे के लिए कोई रिवेंज ले रहा है, और यहां पे भी सुपरनैचुरल एलिमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट द डेथ ऑफ द हीरो इज फिक्स्ड, कि लास्ट में उसकी भी डेथ होगी, तभी तो ट्रेजेडी है, अगर उसकी लाइफ बच जाएगी तो वो ट्रेजेडी नहीं कहलाती। थर्ड, मैकेबर, मैकेबर के अंदर मेन रोल होता है सुपरनैचुरल एलिमेंट, टेरर, फियर एंड डिस्गस्ट, ये तीन यहां पे रहेंगे। जो भी कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है अपनी किसी भी चीज के लिए, एंड ही इज रेडी टू टेक सेक्रीफाइसेस, जितने भी उसको मिल रहे हैं वो सेक्रीफाइसेस भी लेगा, वो मर्डर्स करने को तैयार है, वो ब्लडशेड करने को तैयार है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है। सो दिस इज बेसिकली मैकेबर प्ले। ठीक है, यहां पे स्पेशली डिस्गस्ट क्रिएट करने के लिए दिखाया जाता है इस टाइम के एलिजाबेथन थिएटर तक में, उसके बाद तो बहुत सारे और तरीके आ गए थे, लेकिन एलिजाबेथन तक के थिएटर्स में डिस्गस्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा इन्फेंट, इन्फेंट या बिल्कुल छोटे बच्चे, तीन तीन चार चार साल तक के, मैक्सिमम इन्फेंट 6 साल तक के बच्चों को बोलते हैं हम लोग, तो 6 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मर्डर दिखाया जाता। ठीक है, अगर उनका मर्डर दिखाया जाता है जिनको की पता ही नहीं है लाइफ एंड डेथ का, उन बच्चों के मर्डर से डिस्गस्ट आता है। ठीक है, तो यहां पे डिस्गस्ट के लिए मैक्सिमम छोटे बच्चे, इन्फेंट, गोदी के जो बच्चे होते हैं उनका मर्डर दिखाया जाता है, तो दैट क्रिएट मोर हेट्रेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैकेबर प्ले। सो दिस इज योर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मैंने आप लोगों को आज जो करवाया है इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर वाइज दिखाया, दो तरीके के प्ले होते हैं, दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, पोएटिक एंड ड्रामेटिक, उसमें डिविजन एक्ट वाइज होता है, और इसमें पोएटिक प्लेज आपके वर्सेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक्ट वाइज डिविजन है वो कैसे होगा, 1 act, 3 act and 5 act प्ले, ये डिविजन होते हैं इसके मेनली। देन उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज डिवीजन में ये 5 divisions होते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांसेस, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस। ट्रेजेडी के ये 3 parts, वन मैन ट्रेजेडी, रिवेंज एंड मैकेबर, ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कॉमेडी, रोमांसेस, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्ले करवाऊंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।